नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के योग में 2017 कैसा रहेगा जानिए इस वीडियो के द्वारा। मकर राशि वालों के लिए वैसे 2017 मजेदार रहेगा और प्यार के मामले में देखा जाए तो सामान्य रहेगा, यानी कि इस साल में उनके विवाह के योग बनेंगे तो सही लेकिन बहुत कम है। और लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि इस साल में न शादी कर अगले साल में ही शादी के विवाह के योग अच्छे और प्रवक्त बन रहे हैं, यदि आप शादी करने के योग्य हैं और शादी करने के लिए उत्सुक भी हैं तो आप इस साल में कोशिश करें। कोई प्रस्ताव आता है यदि अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है तो ही हाँ करें, वरना तो आप 2018 में ही तैयारी करें शादी की। और मकर राशि वालों के लिए यदि शादी हो चुकी है तो उनके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने के योग बन रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि मकर राशि के लिए मजेदार होने के साथ साथ 2017 काफी अच्छा भी माना जा रहा है, लेकिन सामान्य तौर पर, यानी कि कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों मिक्सअप है लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन कोशिश करें कि मकर राशि वाले अपनी चीजों को सही व्यवस्थित करें ताकि अपनी चीजों को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। मकर राशि वाले बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उन चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन मकर राशि वालों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप एक ब्राउजर बनाइए ताकि आप घूमने के लिए कहीं भी ट्रिप जा सकें, किसी भी ट्रिप पर चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं या फिर आप जिससे प्यार करते हैं अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जल्दी ही काम जल्दी सफल हो जाएंगे। और विवाह के योग तो आप 2018 में ही अच्छे बन रहे हैं, तो आप 2018 में ही अपने शादी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं। तो ये है मकर राशि वालों के लिए 2017 शादी के मामले में कैसा रहेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।